वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम मापन के मात्रकों को देख रहे थे। मापन करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है, उनके बिना हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन के क्रम में इस समय मापन और मात्रकों पर विस्तार से चर्चा हो रही थी। पिछले दो लेक्चर अवश्य ही देखिएगा, ये तीसरा पार्ट है और वहाँ से आपको आधारभूत समझ विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए, व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाए तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ती। और यहाँ रटवाना ये हमारी भी मंशा नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप समझें, समझ विकसित करें और समझ विकसित करने के लिए शुरुआत से देखें। ये तीसरा लेक्चर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने दूरी के जो मात्रक हैं, दूरी को नापने के या लंबाई को नापने के जो बड़े मात्रक हैं और छोटे मात्रक हैं, उनकी चर्चा को पूरा कर लिया था। हमें देखना था क्षेत्रफल के मात्रकों से आगे की ओर। तो क्षेत्रफल का जब आप मापन करते हैं तो उसमें एक इकाई का इस्तेमाल होता है जो कि है एकड़, ठीक है। तो एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। एक एकड़ जो है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है और उसी एकड़ को अगर आप वर्ग फुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 43,560 स्क्वायर फुट या वर्ग फुट के ये इक्वल होता है, 43,560 स्क्वायर फुट के ये इक्वल होता है। और इसी चीज़ को अगर आप वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं तो ये 4046.94 वर्ग मीटर के आसपास होता है। तो ये एक एकड़ की माप है अलग अलग रूपों में, ठीक है। ये क्षेत्रफल का एक मात्रक हमने देखा, बड़ा मात्रक। इसके बाद नंबर आता है हेक्टेयर का, और हेक्टेयर जो है ये एकड़ से भी बड़ा मात्रक है और एक हेक्टेयर में लगभग ढाई एकड़ होते हैं, लगभग ढाई एकड़ होते हैं। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप जो अप्रॉक्सीमेट है उसको लिख सकते हैं, तो 2.5 एकड़। अब यहाँ तक तो हमने दो क्षेत्रफल को नापने के बड़े बड़े मात्रकों को देख लिया है, लेकिन उसके बाद उससे भी बड़े मात्रकों का नंबर आता है, जैसे कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग मीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर। तो एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि एकड़ से बड़ा मात्रक हेक्टेयर है और हेक्टेयर से भी बड़ा मात्रक वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर अपने अंदर 100 हेक्टेयर समेट सकता है, ये इतना बड़ा होता है। और इसके बाद नंबर आता है वर्ग मील का, तो वर्ग मील जो है वो वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है, ये 2.6 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। या इसी को अगर आप हेक्टेयर में बदलना चाहते हैं तो 256 हेक्टेयर के आसपास, और एकड़ में बदलना चाहते हैं तो 632.58 एकड़, ये एग्जैक्टली होता है। तो यहाँ तक बात संपन्न होती है क्षेत्रफल के मात्रकों के संदर्भ में। और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं समय के मात्रक। और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ना, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्राम और पार्सिक, इसको हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ये सब दूरी के मापन के अलग अलग मात्रक हैं, जिसमें से कि पार्सिक जो है ये दूरी को नापने का सबसे बड़ा मात्रक। अब यहाँ पर बात तो हो रही है समय के मात्रकों की, लेकिन चर्चा शुरुआत में जो की गई है वो द्रव्यमान और भार के मापन की है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एक औंस है, ठीक है। आप वजन को कैसे नापेंगे, द्रव्य का मान कैसे नापेंगे, तो यहाँ अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फुट पाउंड सेकेंड में आप देखते हैं, ये जो FPS पद्धति होती है इसमें पाउंड में नापा जाता है, MKS में किलोग्राम में नापा जाता है, SI में भी किलोग्राम होता है, CGS है तो उसमें ग्राम होता है। ऐसे ही कुछ छोटे और बड़े मात्रक होते हैं। तो देखिए, एक ऑन्स जो है वो बराबर होता है 28.35 ग्राम के, और एक पाउंड बराबर होता है 16 ऑन्स के, यानी पाउंड जो है वो ऑन्स से बड़ा है। इसके बाद, और ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है लेकिन हाँ जानना आवश्यक, एक किलोग्राम बराबर होता है 2.205 पाउंड के, या फिर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1000 ग्राम के ये बराबर होता है। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ आएंगे, क्योंकि इसके नीचे से समय को नापने के कुछ मात्रकों की शुरुआत हो गई है जो कि इसमें शामिल करना ठीक नहीं। तो आ जाइए इधर, असल में समय के मात्रक यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो चंद्रमा से हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, आपने देखा। एक मीट्रिक टन में 100 किलोग्राम नहीं होते हैं बल्कि 1000 किलोग्राम होते हैं, और इसी को आप कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हैं 10^3, ठीक है। तो वही बात है, 10 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे आपको 1000 प्राप्त होगा। तो एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। अब कुछ छोटे छोटे मात्रकों की चर्चा, तो एक पिकोग्राम है, एक माइक्रोग्राम है, फेमटोग्राम है, मिलीग्राम है और नैनोग्राम है, ये सब छोटे हैं। तो इसमें आप एक पिकोग्राम को देख लीजिए, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10^-12 ग्राम के। यहाँ जो ये 12-13 है इसको देखकर खुश मत होइएगा, ये बड़ा नहीं है, ये उतना ही छोटा है क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है माइनस।
अब 10^-12 का मतलब क्या होता है, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है 1/10^12 या 10^12, यानी 1 के आगे आप 12 जीरो लगाएंगे, यहाँ एक लंबी सी संख्या प्राप्त होगी और उस बड़ी सी संख्या से आप 1 में भाग देंगे और जो छोटा सा भागफल आपको प्राप्त होगा वही इसकी वैल्यू है, यानी ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ तक चर्चा हुई, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10^-12, ये कोटि जो है ना मतलब घात, वो आपको याद रखनी, और माइक्रो आप जानते ही हैं कि ये -6 की कोटि का होता है, तो 10^-6 ग्राम। फेम्टोग्राम जो है ये 10^-15 ग्राम के इक्वल होता है, मिली है तो वो 10^-3, और नैनो है तो 10^-9। माइनस में संख्या जितनी बड़ी घात में लिखी रहेगी वो एग्जैक्ट जो संख्या है वो उतनी ही छोटी होगी, उसका मान उतना ही कम आएगा। यहाँ जितना कम रहेगा, जैसे 10^-3 जो है वो इन सबसे बड़ा है, मतलब मान में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 1 में जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है वो उतनी बड़ी संख्या नहीं है, 1000 ही है, बाकी जो है सब के सब उससे कहीं ज़्यादा बड़े। तो अंतिम में जो भागफल प्राप्त होगा वो इसमें यानी मिलीग्राम वाले केस में थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होगा, तो इससे आप बड़े छोटे का अंदाज़ा वैसे भी लगा सकते हैं। फिलहाल नैनो की कोटि होती है 10^-9, तो उस आधार पर देखें तो 1 नैनोग्राम इक्वल होता है 10^-9 ग्राम के। बात यहाँ पर जो मात्रकों की है वो समाप्त नहीं होती है, हमने आधा हिस्सा देखा है, समय के मात्रकों को हमने यहीं पर छोड़ दिया था, तो आइए यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। देखिए एक चंद्रमास और उसी के नीचे आप देख रहे हैं एक सौर मास। तो एक चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताहों के, 4 सप्ताह मतलब 7-7 दिन के 4 सप्ताह हो गए, और टोटल अगर गिना जाए तो ये 28 दिन के बराबर होता है, मतलब कुल दिनों की संख्या इसमें होती है 28, ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हैं। और एक सौर मास बराबर होता है, सौर मतलब सूर्य से संबंधित, तो एक सौर मास बराबर होता है 30 से 31 दिन के, मतलब आप जानते हैं कि 12 महीने हैं और हर महीने में या तो 30 दिन होगा या फिर 31 दिन होगा, किसमें 30 होता है किसमें 31 होता है, या आप मुट्ठी बनाकर उस पर गिन लीजिएगा, मुट्ठी वाला मेथड पता है ना, जो उभार वाला आपका स्थान है मुट्ठी में अंगुलियों के ऊपर, वहाँ पे जो महीना आएगा वो 31 दिन का होगा, जो गड्ढे में जाएगा वो 30 दिन का होगा, है ना, तो आसान तरीका है। फिलहाल 30 और 31 दिन के ये महीने होते हैं, मतलब सौर मास में दिन होते हैं असल में, और फरवरी जो है वो हमेशा 28 दिन की होती है, और 4 साल के अंतराल पे जो लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, उसमें 29 दिन की हो जाती है, तो कुल मिलाकर ये सौर मास का पैटर्न है। तो प्रश्न ये उठता है कि एक साल कितने के बराबर होता है, तो यहाँ चंद्रमास में उसको कैलकुलेट किया गया है, दिन में तो आप जानते ही हैं, तो ये 13 चंद्रमास और 1 दिन के बराबर होता है, ठीक है, 1 वर्ष और 1 अधिवर्ष जिसे कि आप लीप ईयर कहते हैं, ये 366 दिन के बराबर होता है, मतलब इसमें दिनों की संख्या पूरी की पूरी 366 होती है। तो बात यहाँ पर समय के मात्रकों की समाप्त होती है, अब इसके बाद देखने का नंबर आ गया है आयतन के मात्रकों को, और यहाँ से आयोग कई सारे प्रश्न पूछ चुका है और पूछेगा भी। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं और कितने गैलन होते हैं, दोनों आपको जानना जरूरी है, बैरल वाला क्वेश्चन आया ही था, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और इसी को अगर आप गैलन में बदलना चाहते हैं तो 1 लीटर में 0.2642 गैलन, ये पूरा एग्जैक्टली आता है, ये एक निश्चित मान है, मतलब एक मानक जो आधार है उसको तय करके ये गणना की गई है, और ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लगभग मान दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसकी 2 ही डिजिट तक याद रख सकते हैं, मतलब 0.26 भी अगर आपको याद रहेगा तो भी काम बन जाएगा। इसके बाद नंबर आता है 1 गैलन का, तो 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं, ठीक, 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं, और 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 158.9873 लीटर टू बी एग्जैक्ट। इसके बाद 1 बैरल में कितने US गैलन होते हैं, तो 42। ये कुछ आंकड़े हैं जिन्हें कि आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ से जो हम देखने जा रहे हैं वो SI मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं। मूल मात्रक कौन होते हैं और व्युत्पन्न कौन होते हैं, इस पर हमने पर्याप्त चर्चा की है, यहाँ सिर्फ उनके जो पद हैं उन्हें हम देखेंगे, मतलब एक मात्रक से दूसरे को कैसे प्राप्त करते हैं, असल बात ये। इसमें एक तरफ ये पूरी सारिणी है और सारिणी के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा हम इधर वाला कंप्लीट करके तब दूसरे को देखेंगे। तो इधर दी हुई है भौतिक राशि, दूसरी तरफ दी हुई है इकाई, सही है। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल, सबसे पहले तो क्षेत्रफल का एक कॉमन सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो ज्योमेट्रिकल शेप है यानी ज्यामिति आकृति है वो कैसी है, वो त्रिभुज है चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी है तो कैसा है, आयत ही हो या आवश्यक तो है नहीं, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो उसी हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन फिलहाल इकाई जो है वो वर्ग मीटर होती है, मीटर जो है वो लंबाई को नापने का मात्रक है, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है।
इसके बाद आयतन घन मीटर होता है, और घन मीटर कैसे होता है ये पीछे हमने पर्याप्त अच्छे तरीके से देख लिया था। मतलब आयतन का एक सामान्य सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई चाहे आप नीचे नापिए चाहे ऊपर नापिए, तो चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है लंबाई तो दूरी है ही है, चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या है, ये भी तो दूरियां हैं, इनके भी मात्रक वही है मीटर। तो मीटर में आपस में तीन बार गुणा होगा तो मीटर की तीन घात, उसी को कहते हैं घन मीटर। वैसे ही चाल और वेग, भले ही ये सदिश और अदिश के फर्क में आती हूँ लेकिन यहाँ जो मात्रक है वो समान रहेंगे, सदिश और अदिश का अंतर जो है वो मात्रकों पर नहीं दिखाई देगा। तो दोनों के लिए मीटर प्रति सेकंड मात्रक का इस्तेमाल होता है। कोणीय वेग के लिए रेडियन प्रति सेकंड ये मात्रक होता है। यहाँ सीधे सीधे हम बताते चलते हैं, बाकी इसका जो डेरिवेशन है वो हमने पीछे पिछले लेक्चर में कर लिया था। तो अगर आपको ये जानना है कि इसको डिराइव कैसे किया जाएगा, मतलब व्युत्पन्न ये हुई है तो आखिर कैसे हुई है, तो उसके लिए जो पिछले दो लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा। तो कोणीय वेग की चर्चा हमने कर ली, अब इसके बाद त्वरण को देखते हैं। तो त्वरण जो है ये वेग परिवर्तन की दर होती है। असल में वेग में जब बदलाव आता है, कुल मिलाकर किसी भी वस्तु की रफ्तार बढ़ जाती है, उसके वेग में वृद्धि हो जाती है अगर उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाए। त्वरण अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक समान वेग से गतिमान है, या तो त्वरण होगा या फिर मंदन होगा, और नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक समान रफ्तार उसकी रहेगी। तो त्वरण की जो स्थिति होती है इसके लिए मात्रक का मतलब इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, और वो होती है मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं। कोणीय त्वरण का क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यदि आपको तरंग संख्या का पता लगाना है, तरंग संख्या का पता मालूम करना है, तो इसके लिए जो मात्रक होता है वो प्रति मीटर होता है। घनत्व द्रव्यमान घनत्व, अब ये दो प्रकार के घनत्व हैं, पहली चीज़ तो सामान्य और दूसरा द्रव्यमान घनत्व। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से इसे मापा जाता है। मापन के मात्रक जो है वो ज़्यादातर परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक, उसका आंकिक मान से कोई विशेष संबंध नहीं होता है। तो ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से फिर तालिका का दूसरा हिस्सा यानी टेबल का जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले है आपका सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, और ये पदार्थ की मात्रा। पीछे हमने जब मूल मात्रकों की चर्चा की थी तो उसमें हमने देखा था कि पदार्थ की मात्रा ये भी एक मूल भौतिक राशि में आती है, और इसका मूल मात्रक होता है मोल, ठीक है MOL। अब यहाँ जो सांद्रता की गणना हम कर रहे हैं, चूँकि ये व्युत्पन्न है तो मोल प्रति घन मीटर, इसमें हम सांद्रता का मापन करते हैं। इसके बाद है विशिष्ट आयतन, और विशिष्ट आयतन के लिए जो मात्रक या इकाई का इस्तेमाल किया जाता है वो घन मीटर प्रति किलोग्राम होती है। ज्योति तीव्रता कैंडेला प्रति वर्ग मीटर, और शुद्ध गति की श्यानता, श्यानता का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गाढ़ापन, और श्यानता द्रव और गैस दोनों का गुण होता है। मूल रूप से ये द्रवों का गुण होता है लेकिन ये गैसों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो शुद्ध गति की श्यानता ये वर्ग मीटर प्रति सेकंड में नापी जाती है। इसका जो मात्रक है, इसकी जो इकाई है उसे आप देख रहे हैं। संवेग का तो आप जानते ही हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है ना, किग्रा मीटर पर सेकंड। जड़त्वाघूर्ण, तो जड़त्वाघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, इसका कितना इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, माफ कीजिएगा किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है ये आप देख रहे हैं, किग्रा मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। इसके बाद है परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल आपने पढ़ा होगा, कक्षाएं इसकी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर परिभ्रमण त्रिज्या है, जिस पथ पे कोई चीज़ परिभ्रमण कर रही है किसी मूल वस्तु के चारों ओर, तो यहाँ जो पूरा एक पथ का दायरा है उसका अगर आप त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मात्रक मीटर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है वो लंबाई है। त्रिज्या क्या है, वो केंद्र से लेकर परिधि तक की लंबाई है, सीधी बात है। तो जब लंबाई है या दूरी है तो उसका मात्रक मीटर ही होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसके बाद रेखीय क्षेत्रीय पृष्ठीय आयतन जो प्रसारणीयता होती है उसके लिए प्रति केल्विन का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। ये सब बातें हमने यहाँ पर देखी हैं, और आगे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि विद्युत धारा घनत्व, ठीक है विद्युत धारा घनत्व जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है एम्पियर, एम्पियर में विद्युत धारा को नापा जाता है, और वर्ग मीटर जो है ये क्षेत्रफल का मात्रक है। तो यहाँ हम चूंकि धारा घनत्व नाप रहे हैं इसलिए इसका व्युत्पन्न मात्रक कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण घनत्व जो आप कहना चाहें, वो एम्पियर प्रति मीटर में नापा जाता है। यहाँ एक बात और दी हुई है, प्रवाह दर, तो प्रवाह दर को आमतौर पे सामान्य जो उसका मात्रक है घन मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। अब यहाँ से जो अगली टेबल हम देखेंगे उसमें विशेष नाम वाले एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त एसआई व्युत्पन्न मात्रक एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। पीछे भी वही चीज़ हमने लगभग देखी थी, यहाँ भी वही। तो चुंबकीय आघूर्ण को देख लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई है वो जूल पर टेस्ला होती है। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका कूलाम मीटर होता है, कूलाम आवेश को नापता है।
गतिक क्षांता इसके लिए पॉइजल होता है, पॉइजली कहा जाता है, या पॉइजली का फार्मूला और पॉइजली का जो प्रैक्टिकल होता है ना लैब में, हो सकता है आपने किया हो, तो पॉइजल या पास्कल सेकंड में भी इसको नापते हैं, ठीक है। एक शब्द में अगर देखा जाए तो पॉइजल इसको कहा जाता है, लेकिन वैसे अगर पास्कल में दाब को नापने का मात्रक है पास्कल, तो पास्कल में अगर आप देखना चाहते हैं तो पास्कल सेकंड लिख सकते हैं, नहीं उसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, और उससे भी ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो न्यूटन को भी आप किलोग्राम मीटर वाले का जो फॉर्मेट है उसमें तोड़ सकते हैं। तो ये बात। अब यहाँ आप देख रहे हैं मोलर एंट्रॉपी, मोलर ऊष्माधारिता, मोलर एंट्रॉपी, इसके लिए जो मात्रक, इसके लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है वो है जूल प्रति मोल केल्विन। मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा को नापता है, केल्विन जो है ये टेम्परेचर को नापता है, और जूल किसको नापता है बताइए, जूल किसको नापता है, ऊर्जा को नापता है कि कार्य को नापता है, या दोनों को नापता है। फिलहाल यहाँ देखें आप उद्भासन यानी एक्सपोजर। अब ये एक्सपोजर किस चीज़ का है, तो एक्स और वाई किरणों का है, ये वाई किरण नहीं है बल्कि गामा है, ठीक है। तो एक्स और गामा किरणें हैं, और कूलाम प्रति किलोग्राम ग्रे प्रति सेकंड के हिसाब से इसको नापते हैं, तो इसमें कोई एक फिक्स मापन की इकाई नहीं होती, और ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। संपीड्यता की बात करते हैं, तो संपीड्यता का जो मात्रक होता है वो प्रति पास्कल होता है, चूँकि संपीडन का मतलब क्या है, सिकोड़ना, किसी चीज़ पर आप दोनों ओर से दबाव डाल के, चारों ओर से दबाव डाल के उसका आकार बदल के उसे सिकोड़ना चाहते हैं, भींच देना चाहते हैं। संपीड़न और तनाव बल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसका परिणाम क्या होता है, कोई चीज़ जो है उसके ऊपर भयंकर दबाव पड़ता है और वो अपने आकार को समेट लेती है, सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ जो दाब का मात्रक है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रति पास्कल में इसको नापा जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसका जो सामान्य मात्रक है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और दाब प्रवणता का होता है पास्कल प्रति मीटर, ये बात है। पृष्ठ विभव का कितना होता है, तो पृष्ठ विभव का होता है जूल प्रति किलोग्राम। ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, आगे भी चर्चा है। तो ऊष्माधारिता और एंट्रॉपी को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल के इस वाले हिस्से में आ जाइएगा, यहाँ तक हमने देखा था, इसमें देखिए दाब प्रवणता तक हमने देख लिया था, बल्कि पृष्ठ विभव तक देख लिया था, यहाँ पर हमने इसी जगह तक चर्चा की थी। इसके नीचे वाला देखकर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर बराबर देखेंगे। तो देखिए यहाँ युग्म है या बलाघूर्ण, उसका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। बलाघूर्ण का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर मतलब न्यूटन बटे मीटर, सीधी बात। शक्ति घनत्व या किरणित मान है, या फिर ऊष्मीय फ्लक्स घनत्व है, ये सब अगर आपको नापना है तो वाट प्रति वर्ग मीटर में ये नापा जाएगा, या वाट पर मीटर स्क्वायर इसको आप कह सकते हैं। ऊष्माधारिता या एंट्रॉपी को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो मात्रक इस्तेमाल होगा वो जूल पर केल्विन होगा, पीछे भी हमने देखा था। और दाब ऊर्जा के लिए क्या होगा, तो पास्कल घन मीटर होता है, या पास्कल मीटर क्यूब आप कह सकते हैं। अब यहाँ से हम चीज़ों को बराबर तरीके से देखेंगे। तो अब आप देखें टेबल के इधर वाले हिस्से को, पहले हम यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद तब यहाँ से फिर आगे शुरू करेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट एंट्रॉपी को अगर आप नापते हैं तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन में ये नापी जाती है, और विशिष्ट ऊर्जा यहाँ आप देखें, गुप्त ऊष्मा, इन सबको अगर आपको नापना है तो जूल प्रति किलोग्राम में नापेंगे। विकिरण तीव्रता अगर आप नाप रहे हैं तो वाट प्रति स्टे रेडियन में नापेंगे, ठोस कोण और घन कोण का आपने देखा था पीछे। इसके बाद ऊष्मीय चालकता है, और ऊष्मीय चालकता का होता है वाट पर मीटर केल्विन, ये देखिएगा। साथ में ऊर्जा घनत्व है, जूल प्रति घन मीटर, ये इसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है वोल्ट पर मीटर, और विद्युत आवेश घनत्व का होता है कूलाम प्रति घन मीटर। विद्युत फ्लक्स घनत्व का होता है कूलाम प्रति वर्ग मीटर, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। दाब ऊर्जा का हमने देखा था, यहाँ देखिए दाब ऊर्जा का हमने देखा नहीं था, ये पास्कल घन मीटर होता है, पास्कल मीटर क्यूब होता है। इसके बाद आवेग, आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होता है, सेकंड समय का होता है, तो बल गुणे समय ये किसके बराबर हो जाएगा, आवेग के। इसका सूत्र भी आपको इससे मालूम हो जा रहा है। इसके बाद कोणीय आवेग है, तो न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अगर है तो उसको ओम मीटर में नापेंगे, ओम को आप ऐसे व्यक्त करते हैं, उसके साथ ये मीटर हो जाएगा, यहाँ ये एम हो जाएगा। इसके बाद पृष्ठ ऊर्जा है, तो पृष्ठ ऊर्जा को नापने के लिए आपका जो मात्रक है वो जूल प्रति वर्ग मीटर, ये आपने देखा। और परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के लिए फैराड पर मीटर होता है, जबकि चुंबकशीलता का होता है हेनरी प्रति मीटर। ये फैराड, हेनरी, ये सब साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम। मोलर ऊर्जा का क्या होता है, तो जूल पर मोल होता है, यहाँ आप देख ही रहे हैं। और प्लांक कांस्टेंट या कोणीय संवेग दोनों के लिए, ठीक है, प्लांक नियतांक जो है उसके लिए भी, और मोलर कोणीय संवेग जो है उसके लिए भी, ये जूल सेकंड ही मात्रक इस्तेमाल होता है।
तो दोनों का कॉमन है, इसका मतलब है कि दोनों की बीमा भी जो है आपस में बराबर होती है। कभी कभी बीमाएं भी पूछ ली जाती हैं, हालांकि ये ट्रेंड अब कम हो गया है, इधर कई सालों से आयोग ने बीमा नहीं पूछी है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो यहां तक ये सारणी समाप्त हुई है, आगे की चर्चा क्या है आइए देखते हैं। तो यहां कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, यहां यंत्र या उपकरणों के नाम दिए हैं और वो किस काम में आते हैं, किस चीज को नापने या किस चीज का मान निकालने के काम में आते हैं वो दिया हुआ है, पूछा जाता है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नाम दिया है वो है फोनोग्राफ। जैसा नाम है वैसा काम है, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करता है। फोनोग्राफ का काम होता है ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करना। फोनोमीटर क्या करता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता के स्तर को ज्ञात करता है। दोनों में बस ग्राफ और मीटर का फर्क है, ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आता है और मीटर जो है वो उसको रिकॉर्ड उसको मीजरमेंट मतलब उसका मीजरमेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ जो ध्वनि तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड करके उसको रिप्रेजेंट करने का काम जो है ये फोनोग्राफ करता है, और फोनोमीटर जो है वो उसकी तीव्रता के स्तर को नापता है। इसके बाद है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर यानी प्रकाश से संबंध इसका होगा। तो दो स्रोतों की यहाँ देख रहे हैं आप प्रदीपन और तीव्रता, यहाँ आप देखें दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के लिए काम आने वाला जो उपकरण है वो फोटोमीटर है, सही है, यहाँ देखें आप। इसके बाद फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा जो है आप जानते हैं किस काम आता है, किसी वस्तु की फोटो लेने के लिए होता है। और फोटो टेलीग्राफ, फोटो टेलीग्राफ जो है ये फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए काम आता है। पीपेट, ब्यूरेट और पीपेट आपने जो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया होगा, अनुमापन वाले प्रैक्टिकल में। तो पीपेट जो है ये द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है और मुंह से इसमें खींचा जाता है, मुंह से सक्शन देके जो लिक्विड है उसको ऊपर खींचा जाता है और कभी कभी वो मुंह में चला जाता है, आपने टेस्ट उसका किया होगा, ठीक है। तो पीपेट जो है ये आपने देखा। इसके बाद है पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन है आप जानते ही हैं। और पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियल नापता है, अब किस चीज़ का पोटेंशियल नापता है, तो विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ही असल में नापने का काम करता है। दो पॉइंट हैं जहाँ पे आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव का अंतर है वो कितना है उसको ये नाप कर बताता है। इसके बाद है पोटोमीटर, ठीक है, पोटोमीटर, ये फोटोमीटर नहीं है बल्कि पोटोमीटर है, और ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को नापता है। और इसी यंत्र के सहारे ये मालूम किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हुआ है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो तेज हो गई है, ठीक है, और ये घातक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये है पाइक्नोमीटर। पाइक्नोमीटर जो है ये द्रवों में घनत्व और प्रसार गुणांक को मापने का काम करता है, मतलब द्रव का घनत्व भी नाप सकता है, उनका प्रसार गुणांक भी नाप कर बता सकता है। पाइरोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को नापता है, मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जितने की तापमान पर अगर किसी चीज़ को गर्म कर दिया जाए तो उससे रेडिएशन रिलीज होने लगे, ठीक है, विकिरण जब उत्सर्जित होता है तभी ये उसको नाप पाता है। विकिरण तापमापी ये उच्च ताप को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि पाइरोमीटर में भी कई सारी वेरायटी आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह का होता है, कुछ जो है वो विकिरण पे काम करते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ उच्च ताप ही उनके लिए पर्याप्त होता है, लेकिन कम तापमान को ये नहीं नाप सकता है। इसके बाद पाइरेहेलियोमीटर है, तो ये और ज़्यादा उच्च तापमान मतलब जो सोलर रेडिएशन सौर विकिरण होता है उसको नापने के लिए काम में आता है। क्वाड्रेंट किस काम आता है, ये देखिए क्वाड्रेंट जो है ये नौ संचालन मतलब जो पानी के जहाज होते हैं और खगोल विज्ञान में दोनों ही स्थितियों में ऊंचाई और कोणों को मापने के लिए काम में आता है, मतलब उन स्थानों में ये ऊंचाइयों का मापन कर सकता है या कोण नाप कर आपको बता सकता है जहाँ पे आप चादा प्रकार और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके कोण का मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब पानी में आप क्या नापेंगे या अंतरिक्ष में क्या नापेंगे, तो वहाँ पर ये क्वाड्रेंट काम आता है। इसके बाद है रडार, इसका तो काम आप जानते ही हैं, दूर से आने वाले वायुयान की ये गति बता सकता है, उसकी दिशा बता सकता है और उसके बाद उसे उड़ा दिया जाता है। और आप देखें यहाँ रेडिएटर, रेडिएटर जो है ये इंजन को ठंडा रखता है मोटर गाड़ी में। रेडियोमीटर जो है ये विकिरण को नापता है, रेडिएशन को नापता है। रेडियो माइक्रोमीटर जो है ये ऊष्मीय विकिरण को नापता है, गर्म करने पर चीज़ों से विकिरण उत्सर्जित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊष्मीय विकिरण जब रिलीज हो रहा है तो नापने की आवश्यकता है। नापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो रेडियो माइक्रोमीटर। रेनगेज का काम होता है वर्षा की मात्रा को नापना, और रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने का काम करता है। पारदर्शक माध्यम जिनके कि आर पार प्रकाश जा सकता है उनका ये अपवर्तनांक ज्ञात करने की कोशिश करता है। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर, जिसे कि शुद्ध हिंदी में कहा जाता है प्रशीतक। तो प्रशीतक जो है ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इस्तेमाल आता है, मतलब तापमान को इतना कम कर दिया जाता है कि जो पदार्थ के पकने की उसकी ऑक्सीकरण की दर है वो धीमी हो जाए, ऐसा ही काम कोल्ड स्टोरेज में भी होता है, साथ में उसके अंदर की नमी को भी सोख लिया जाता है।
आपने पढ़ा होगा ना कि जो बिस्किट का पैकेट है अगर उसमें सीलन घुस गई है तो फ्रिज में रख दीजिए, वो कुरकुरा हो जाएगा। तो होता क्या है, उसमें जो अतिरिक्त नमी होती है उसको सोख लिया जाता है। इसके बाद आप सैक्रोमीटर को देख रहे हैं, तो सुक्रोज के लेबल यानी जो शर्करा की सांद्रता है उसको नापने के लिए ये काम आता है। और सेफ्टी लैंप का काम होता है प्रकाश के लिए खानों में इस्तेमाल होने के तौर पे, मतलब जो खाने होती हैं यानी जहाँ से कुछ खोद कर मिनरल बाहर निकाला जाता है, वहाँ एकदम नीचे ज़मीन में घुप अंधेरा होता है आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर ये सेफ्टी लैंप काम आता है। और इसके साथ साथ जो अंदर दुर्घटनाएँ होती हैं तमाम तरह की, उसको भी रोकने में ये जिम्मेदार होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और भी है, जैसे कि स्क्रू गेज को आप देख रहे हैं, तो भाई हर चीज़ को मीटर स्केल से आप नहीं नाप सकते हैं। पिछले अगर लेक्चर आपने देखे हैं इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है कि देख लीजिएगा, तो वहाँ बताया गया है कि किस पैमाने की कितनी क्षमता है, मतलब कितनी सीमा तक वो नाप सकता है। तो मीटर स्केल की भी अपनी एक कैपेसिटी है, मतलब एक न्यूनतम मान से नीचे वो नहीं नाप सकता है। तो उससे कम की अगर लंबाइयाँ हैं, छोटी छोटी लंबाइयाँ हैं, अब आप मान लीजिए कि किसी सिक्के का डायमीटर नापना चाहते हैं या किसी अपने सिर के बाल की त्रिज्या नापना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप किन चीज़ों से नापेंगे या कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे। तो बहुत ज़्यादा जो पतली चीज़ें होती हैं उनके लिए स्क्रू गेज होता है, थोड़ा सा और मोटी है तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स। तो स्क्रू गेज जो है ये महीन महीन तारों का व्यास नाप सकता है। लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, स्पेशली फिजिक्स लैब में, तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाती हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद सीस्मोग्राफ को आप देख रहे हैं, भूकंपीय तीव्रता को नापता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता को नापता है, इसे ठीक है। और सीस्मोमीटर जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं कि तरंगों की तीव्रता को नापता है। भूकंप की कुल तीव्रता कितनी है और तरंगों की कुल तीव्रता कितनी है। और ग्राफ का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको व्यक्त किया जाता है। और मीटर जो है वो सिर्फ मापन का काम करता है। इसके बाद है सेक्सटेंट, ये भी आपने अपनी फिजिक्स लैब में देखा होगा। तो सेक्सटेंट जो है ये किसी ऊंचाई को नापने के लिए काम में आता है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई। अब पता लगा 5 मंजिला 10 मंजिला इमारत है, तो उसको आप क्या वहाँ से जाकर स्केल नीचे तक रख कर नापेंगे, संभव नहीं है। तो उसके लिए अलग विधि है और उसी में सेक्सटेंट भी होता है। इसके बाद है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है। प्रकाश के अंदर अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम होते हैं आप जानते ही हैं, तो उनका विश्लेषण इसके माध्यम से किया जा सकता है। अगला नंबर है स्पीडोमीटर का। और स्पीडोमीटर जो है ये मोटर गाड़ियों की गति को नापने का काम करता है, जबकि स्फेरोमीटर जो होता है ये वक्रता नापने के लिए काम में आता है, तल की वक्रता, मतलब तल जो है वो कितना मुड़ा हुआ है, कितना वक्र है। इसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये डॉक्टर साहब लोग लेकर घूमते हैं और अपनी जो उनकी डिस्पेंसरी होती है, हॉस्पिटल होता है, उनके पास हमेशा होता है। दो चीज़ें होती हैं डॉक्टर साहब के पास, मतलब डॉक्टर लोगों के पास, एक तो आला होता है जो कि वो गले से लटकाए रहते हैं और उसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है स्टेथोस्कोप, और दूसरा होता है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नापने वाला यंत्र, और ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, तो ये रक्त का दाब नापता है, धमनियों में रुधिर के दाब को नापने के काम में आता है। इसके बाद इसको बीपी की मशीन कहते हैं आमतौर पर। इसके बाद स्फिग्मोफोन होता है। स्फिग्मोफोन जो है ये नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए काम में आता है। ठीक, मतलब उसे तेज रिकॉर्ड करके सुना जा सकता है। स्फिग्मोस्कोप होता है, ये नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करता है। ये ध्वनि को नापता है, उसको सुनने में सहयोग करता है और ये कंपन का अध्ययन करने के लिए काम आता है। इसके बाद है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप जो है ये टू डायमेंशनल जो फिगर होते हैं, द्विविमीय चित्र होते हैं, उनको लेने के लिए काम में आता है। और स्टेथोस्कोप का काम तो आप जानते ही हैं। स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र होता है। हल्की सी आवाज़ को ये कानों तक अच्छे ढंग से पहुँचाता है। इसके बाद है स्टॉपवॉच, ये भी प्रयोगशालाओं में आपने देखी होंगी। समय के मापन के लिए इसको चालू करके जब चाहे तब रोका जा सकता है। तो ये स्टॉपवॉच जो है ये समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र होता है, आजकल तो मोबाइलों में भी होती है। इसके बाद स्ट्रैबोस्कोप, ये देखिए स्ट्रैबोस्कोप जो है ये आवृत्ति दर्शी भी कहा जाता है। इसका जो हिंदी नाम है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आवर्ती गति से घूमने वाली चीज़ों की गति का अध्ययन करता है। कोई चीज़ जो है वो अपने ही पथ पर बार बार घूम कर आ रही है, यानी अपने पथ को दोहरा रही है, तो ऐसा जो मोशन है उसको क्या कहेंगे, उसको पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहेंगे। तो उसके लिए, उसकी गति को नापने के लिए काम में आता है स्ट्रैबोस्कोप। टैकियोमीटर का काम होता है सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन, इस तरह की चीज़ों को नापने के लिए। ये थियोडोलाइट जैसा यंत्र होता है, यहाँ तुलनात्मक बता दिया गया ताकि आप समझें। इसके बाद टैकोमीटर है, तो वायुयान की गति ये नाप सकता है। टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने वाला जो होता है वो टैक्सीमीटर होता है, आप जानते ही हैं। और थर्मोस्टेट जो है ये स्थिर तापमान को संचालित, मतलब तापमान को स्थिर करने के लिए काम में आता है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण यंत्रों के दर्शन किए। कुछ और हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है ये AC बिजली को
मतलब एसी विद्युत जो है, जो कि पावर हाउसों से रिलीज होती है, उसमें वोल्टेज को कम या अधिक करने में सक्षम होता है। ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि ये कैसा है, ऊंचाई है कि अपचाई। ट्रांजिस्टर को देख लीजिए, तो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ देख रहे हैं आप, ये करंट का विस्तार करके अन्य कार्य करने में सहायता करता है, करंट को बढ़ाने का ही काम करता है। इसके बाद है टर्बाइन। टर्बाइन ट्रांजिस्टर की शक्ल आप जानते ही ना, पीएनपी और एनपीएन इस तरीके से आप बनाते हैं इसे, है ना, तो वही चीज़ है। टर्बाइन को देख लीजिए, तो टर्बाइन जो है ये वो यंत्र है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का, या उसकी आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यांत्रिक कार्य उससे करवाए जाते हैं। मतलब ऊंचे स्थान से, जैसे कोई पानी का जलाशय है, पानी को वहाँ इकट्ठा किया गया, रिजर्वायर बनाया गया, और उस ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जा रहा है, नीचे टरबाइन लगी हुई है। तो जब पानी वेग से नीचे गिरता है टरबाइन के पंखों पर, तो टरबाइन तेज रफ्तार में घूमने लगती है। उसके साथ डायनेमो संबद्ध होता है, जो कि उस यांत्रिक ऊर्जा को, उसके घूमने से यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और उसको वो इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से बिजली बनाने का भी काम होता है। इसके बाद देखें, यही सेम पवन ऊर्जा में भी होता है। यूडोमीटर या रेनगेज वर्षा को नापने के लिए काम में आता है। अल्ट्रासोनोस्कोप जो है ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए काम में आता है। इसके अलावा हृदय के जो बारीक दोष होते हैं, जो कि आमतौर पर सामान्य विधियों के माध्यम से नहीं पता लगते हैं, तो वो इससे पता लग जाते हैं। इसके बाद है विस्कोमीटर। ये विस्कोसिटी को नापने के लिए काम में आता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता नापने के लिए, वही विस्कोसिटी नापने के लिए काम में आता है, गाढ़ापन, ठीक है। इसके बाद वोल्ट मीटर और वाट मीटर है। तो वोल्ट मीटर जो है ये आवेश की भिन्नता को नापता है, और वाट मीटर जो है ये शक्ति को नापता है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। वेव मीटर जो है ये तरंग दैर्घ्य को नापता है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य को नापता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जेरॉक्स मशीन क्या करती है, आप बताइएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।